सात नाचने वाली परी। रानी परी के सात बेटियां थी जो रानी परी की बहुत ही लाडली थी। सातों परियां दिखने में एक से बढ़कर एक थी। रानी परी को नाचने गाने से सख्त नफरत था। उन्होंने पूरे परीलोक पर नाचने में पाबंदी लगा रखी थी। खासकर वो अपने सातों परियों को नाचने गाने घूमने फिरने से सख्त हिदायत देकर मना कर रखी थी। रानी परी सबको कमरे में कैद करके रखती थी। वो अपने बेटियों को बाहर की दुनिया से अलग ही रखती थी, जिस वजह से परियों का और भी मन होता है कि बाहर घूमे फिरे नाचे गाए। बहन, पता नहीं माँ हमें किस गुनाह की सजा दे रही है। हम परी होते हुए भी अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती। हाँ बहन, पर आखिर वो हमारी माँ है। अगर वो ऐसा कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। वजह चाहे जो भी हो, हम अब माँ को यूं हम सब पर और जुर्म नहीं करने देंगे। तभी उधर से रानी परी आती है और घर में रखे हील्स पर मिट्टी लगा देखती है और हील्स टूटी भी होती है। तुम लोग क्या कर रही थी अंदर, और हील्स पर मिट्टी कैसी लगी है, और ये टूटा कैसे, जवाब दो। हमें नहीं पता माँ, आप तो बाहर से रूम लॉक करके जाती हो, फिर हम बाहर भला कैसे जाएंगे। चलो ठीक है। अगले दिन भी रानी परी को हील्स और चप्पल टूटी हुई मिलती है। रानी परी सोचती है, जब ये लड़कियां बाहर कहीं जाती भी नहीं तो ये चप्पल और हील्स इतनी जल्दी जल्दी कैसे टूट जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगाना पड़ेगा। फिर रानी परी इस बात का पता लगाने के लिए बड़े बड़े विद्वान राजकुमार को परियों के पीछे लगा देता है, लेकिन कोई भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाता है। धीरे धीरे ये बात पृथ्वी लोक पर भी फैल जाती है। यहाँ पृथ्वी पर एक सूरज नाम का लड़का था। उसे जब इस बात का पता चलता है, फिर वो परीलोक जाकर उस बात का पता लगाने का निश्चय कर लेता है, क्योंकि जो कोई भी इस बात का पता लगाएगा उसे रानी परी खूब सारा इनाम देगी। और सूरज को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। जब वो जा रहा होता है तब सूरज की माँ उसे एक अदृश्य होने वाला कड़ा देते हुए बोलती है, बेटा ये कड़ा तुम्हें उन परियों के बारे में जानने में तुम्हारी मदद करेगा। और फिर सूरज परीलोक की ओर चल देता है। परीलोक में रानी परी ने सूरज को परियों के साथ वाले कमरे में रहने का इंतजाम करा दिया। कोई भी परियां सूरज से बात तो दूर देखना तक नहीं पसंद करती थी, लेकिन वही सबसे छोटी परी सारा को सूरज बहुत पसंद आ जाता है। हेलो सूरज, और फिर हंसते हुए वहां से चली जाती है। सूरज को भी सारा परी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसका काम तो परियां रात में कहां जाती है ये पता करने का था, लेकिन वो करता कैसे। सारा परी हर रात सूरज के लिए दूध लेकर आती है और उसमें नशीली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। फिर एक दिन, सूरज मुझे नहीं लगता तुमसे ये काम हो पाएगा, तुम यहाँ मुफ्त में ऐशो आराम की जिंदगी जीने आए हो। नहीं रानी परी, मैं जल्दी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी नहीं, तुम्हारे पास बस एक दिन का समय है। अगर नहीं पता लगा पाए फिर तुम्हें हमारा समय बर्बाद करने के जुर्म में सजा दी जाएगी। इतना बोलकर रानी परी चली जाती है। रात में रोज की तरह जब सारा परी दूध लेकर आती है तब सूरज चुपके से दूध फेंक देता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगता है सो गया। फिर परी अपने कमरे में चली जाती है। तभी सूरज माँ के द्वारा दिए गए अदृश्य होने वाला कंगन पहनकर परियों के कमरे में घुस जाता है और वो देखता है कि परी के बेड के नीचे एक बहुत बड़ा सुरंग है। परियां उस सुरंग के रास्ते एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाती है, जहां बहुत ही मधुर संगीत बज रहा होता है और सारी परियां संगीत को सुनकर खूब नाचती है। जब सुबह के 5 बजने वाला होता है तब सारा परी बोलती है, दीदी सुबह हो गई है, अब हमें वापस चलना चाहिए, कहीं उस लड़के को हमारा राज ना मालूम पड़ जाए। तभी वो लड़का वहां जाता है और बोलता है, हमें आप सबका राज मालूम हो गया है, और ये देखो हमारे साथ कौन है।
सूरज अपने साथ रानी परी को भी ले आता है। जब परियां नाचने में मग्न थी तभी सूरज रानी परी को ले आता है और दोनों छुपकर परियों का नाच देख रहे होते हैं। फिर सब के सब रानी परी को देखकर हैरान हो जाते हैं। दीदी अब क्या होगा, माँ को हमारे राज के बारे में पता चल गया। तभी सभी परियों को नाचते हुए इतना खुश देखकर रानी परी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, तुम सब परी होते हुए भी मेरी वजह से अपने इच्छा के अनुसार जी नहीं सकती। तुम लोगों का डांस के प्रति ये जुनून देखकर अब मैं तुम्हें आज़ादी देती हूँ, तुम लोगों का जो मन करे वो कर सकती हो। माफ करना रानी परी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप अपनी बेटियों पर इतनी पाबंदी लगाकर क्यों रखी है? बहुत समय पहले की बात है, हमारी राजमाता को भी नाचने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाती डांस करती। एक बार वो पहाड़ पर नाच रही थी तभी अचानक खाई में गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। तभी से मैंने परिलोक में नाचने पर पाबंदी लगा दी। माँ आपको पता है इस जगह का पता हमें हमारी राजमाता के फोटो के पीछे रखी चिट्ठी से मिली। ये जगह राजमाता की सबसे पसंदीदा जगह है माँ। और फिर सभी परियां खुशी खुशी रहने लगती है और सूरज को बहुत सारा इनाम देखकर परीलोक से विदा कर दिया जाता है और रानी माँ उसे अपनी माँ के लिए एक जड़ी बूटी भी देती है। उसको खाते ही उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और परीलोक में सभी परियां हंसते खेलते नाचते गाते खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल कुकु टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।